फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़फ़र खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीकेएन फर्नीटेक में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मैट्रेस और मैट्रेस में लगने वाले फॉर्म वगैरह के बारे में, कुछ जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कितने प्रकार के फॉर्म मैट्रेस में लगते हैं। जितनी भी मुझे जानकारी है उतना मैं आपको शेयर करूँगा। तो कोयर फॉर्म है, सबसे पहले मैट्रेस में जो है कोयर फॉर्म लगता है, नारियल के जटे का बनता है, जो नारियल का आप वो भी कह सकते हैं काथा, उसका बनता है कोयर फॉर्म। दूसरा है दोस्तों, वो है पीयू फॉर्म। पीयू फॉर्म जो है सोफ़ा और मैट्रेस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्म है। तीसरा दोस्तों है बॉन्डेड फॉर्म। बॉन्डेड फॉर्म जो है पीयू फॉर्म के वेस्टेज और उसके भी जो भी टुकड़े होते हैं छोटे छोटे करके, कंपनीज जो है उसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो रिसाइकल करके एक फॉर्म बनाती है, वो हो जाता है बॉन्डेड फॉर्म। चौथा है दोस्तों लेटेक्स फॉर्म। लेटेक्स फॉर्म रबड़ का होता है और लेटेक्स फॉर्म की मैंने जानकारी लिया था उसके बारे में, हमारी कंपनी में बना था एक लेटेक्स फॉर्म में, तो उसका जो है एक MM फॉर्म करके एक कंपनी है जो लेटेक्स फॉर्म बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करती है लेटेक्स फॉर्म के मैट्रेस। पाँचवा है दोस्तों मेमोरी फॉर्म। मेमोरी फॉर्म जो है मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें। अगर आप सोते हैं या स्लीप करते हैं, बैठते हैं तो बहुत ही कंफर्ट फील होता है, क्योंकि वो आपको आपके बॉडी के मुताबिक, आपके बॉडी शेप के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है हर जगह पे। और उसके बाद दोस्तों मैट्रेस में दो चीज़ और लगती है, स्प्रिंग है। दोनों एक ही स्प्रिंग होती है, बट एक बोनल स्प्रिंग होती है, एक पॉकेट स्प्रिंग होती है। बोनल स्प्रिंग कॉइल होता है स्प्रिंग का, जलेबी टाइप, उसका जो है पूरा जाल बना के उससे बनाया जाता है बोनल स्प्रिंग। और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है पॉकेट स्प्रिंग, उसमें भी जो है जलेबी टाइप कॉइल स्प्रिंग होती है और उसे वो एक एक पॉकेट में होती है, नॉन वोवन फैब्रिक में उसको स्टिच करके उसका एक एक पॉकेट होता है, तो होती है पॉकेट स्प्रिंग। तो दोस्तों इसी के कॉम्बिनेशन से कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर को किसको क्या चाहिए, किसको मेमोरी फॉर्म में गद्दा चाहिए, किसी को पीयू फॉर्म में गद्दा चाहिए, किसी को लेटेक्स फॉर्म में गद्दा चाहिए, किसी को स्प्रिंग के साथ फॉर्म चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है किसी को कोयर फॉर्म चाहिए। और कुछ चीप रेट्स में आजकल मैट्रेस बनने लगे हैं, या सोफे में भी देखा हूँ मैंने, हिटलॉन होता है, एक हिटलॉन करके लगता है जो काफ़ी सस्ता आता है, वो भी जैसे पीयू फॉर्म के नीचे हिटलॉन लगाता है, ऊपर पीयू फॉर्म लगा के यूज़ करते हैं, बहुत सारी कंपनी वो भी देती हैं चीप रेट में। तो ये सब है दोस्तों, बाकी ये कस्टमर के अकॉर्डिंग है, आपको कैसा क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है। अपनी जगह पे हर फॉर्म बेस्ट है, आप चाहे मेमोरी फॉर्म देखो, चाहे लेटेक्स फॉर्म देखो, चाहे पीयू फॉर्म देखो, बॉन्डेड फॉर्म भी है। नीचे आपको डेप्थ में वो हार्डनेस देता है, वो आपके मैट्रेस को लाइफ, लॉन्ग लाइफ करता है। ऊपर आप पीयू फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या मेमोरी फॉर्म उसके यूज़ कर सकते हैं, वो नीचे से सपोर्टिंग के लिए बनाया जाता है। और दोस्तों मेमोरी फॉर्म पीयू फॉर्म के, पीयू फॉर्म के मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में अभी आपको जानकारी दे दूँगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है लोकल फॉर्म देते हैं, तो उससे आप बच के रहना थोड़ा। और अगर आप कभी भी कोई भी सोफ़ा फर्नीचर या मैट्रेस ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दो तीन कंपनी जो है मैं आपको बताऊँगा जो हर जगह आपको मिल जाएगी, और उसी के फॉर्म आप यूज़ करें। और मोस्टली ज़्यादातर मेरे हिसाब से 40 डेंसिटी यूज़ होता है। 40 डेंसिटी जो है वो कंफर्ट भी होता है, 40 डेंसिटी फॉर्म पीयू फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, और वो लॉन्ग लाइफ भी होता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पीयू फॉर्म कभी भी यूज़ करना 40 डेंसिटी, उसके ऊपर भी जा सकते हैं आप 50 तक, बट मेरे हिसाब से 40 डेंसिटी आपके लिए बेस्ट होगा और वो अच्छा रहेगा, लॉन्ग लाइफ भी रहेगा और यूज़ के लिए भी अच्छा है। तो कंपनी का मैं नाम बता देता हूँ, करलॉन का आप यूज़ कर सकते हैं, करलॉन कंपनी का आप 40 डेंसिटी या 32 भी यूज़ कर सकते हैं, 28 डेंसिटी का भी आता है, बट मैं आपको कहूँगा कि 40 डेंसिटी यूज़ करिए आप। उसके बाद है फेदर, स्लिपवेल, ड्यूरा फॉर्म, ये तीन चार कंपनी, स्लिप मैक्स, ये चार पांच कंपनी जो है ये मैं आपको बताऊंगा, ये इसका जो क्वालिटी होता है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करती है। और आप दूसरा किसी भी नाम का अगर लोकल ब्रांड हो और वो आपको दे रहे हैं कि 40 डेंसिटी, बट वो 40 डेंसिटी होता नहीं है, तो आप ये जो चार पांच कंपनी मैंने आपको बताया आप इसी में से चूज़ करना। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मैं आपको बता दूंगा, बट सेलिंग प्राइस नहीं बता सकता। सेलिंग प्राइस जो है हर कंपनी का अलग अलग हिसाब से होता है, उसमें ऊपर क्विल्ड भी लगता है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग जो भी उसका प्राइस है, रिटेल शॉप से जो भी मैं प्राइस लिस्ट लेके आपको ज़रूर आगे मैन्युफैक्चरिंग का कितना कॉस्ट जाता है वो मैं आपको मैट्रेस में बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।
थैंक यू।